हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। यानी कि आप अगर लमसम करना चाहते हैं क्या, अगर आप लमसम करना चाहते हैं आने वाले समय के अंदर, जैसा कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है और अब तो GDP के भी रिजल्ट आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिखाए हैं GDP ने। यानी कि हमारे देश की अगर सरकार यही रहती है या ना भी रहती है, ठीक है, अगर आप पिछले म्यूचुअल फंड की पिछले अपने देश की बी आप उसकी इंडेक्स की बात करेंगे, निफ्टी 50 की बात करेंगे या BSE सेंसेक्स की बात करेंगे, तो हमारे देश की जो ग्रोथ है वो बढ़ती ही चली जा रही है। कुछ इस तरीके से जा रही है आपकी ग्रोथ, ठीक है ना। सेंसेक्स देखेंगे, निफ्टी 50 देखेंगे तो ग्रोथ होती जा रही है। यानी गवर्नमेंट आए ना आए, हमारे देश की प्रोग्रेस तो होनी है। सेम गवर्नमेंट आ जाएगी तो ऐसा लोगों का मानना है कि सेम गवर्नमेंट आ जाएगी तो शायद रफ्तार और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं और वो पैसा हमारा 25,000 हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है या फिर 1,00,000 रुपीज़ भी हो सकता है। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे SBI के म्यूचुअल फंड्स बताएंगे आपको, जो कि SBI का क्यों SBI पर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा रहता है, SBI पर लोग भरोसा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये देश की सरकारी बैंक है। और हम कह सकते हैं कि जब देश तरक्की करता है तो जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो मजबूत होता है। बैंकिंग सेक्टर के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ट्रस्ट बढ़ जाता है लोगों का। तो हम जो म्यूचुअल फंड बताएंगे इसके अंदर आपको SBI के, उसमें आपको सेविंग अकाउंट का 10 गुना पैसा मिलेगा। यानी जो सेविंग अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट मिलती है 2.5 या 3% जो इंटरेस्ट मिलती है, उसका 10 गुना आपको इन फंड के अंदर मिलेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट से 5 गुना, जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसे 6 गुना, और जो एनुअल रेट होगी वो लगभग आपको 40% तक आपको इसके अंदर कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिलेंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कहते हैं कि वाई SBI, जैसा कि मैंने आपको बोला कि SBI पे लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस पर। यानी कि सबसे बड़ा तो एक बैंकिंग सेक्टर में नाम है इसका, यानी कि SBI को लोग सबसे बड़ी बैंक के रूप में भी जानते हैं और इसका बहुत बड़ा नाम है। और ये SBI जो म्यूचुअल फंड की है ना, बेलनॉन AMC है, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी जो पैसे को संभालती है ना, असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है एक तरह से, ठीक है, अपने देश के अंदर, ठीक है। बिगेस्ट नेम इन द क्रेडिट कार्ड एंड लोन, यानी कि इस SBI के क्रेडिट कार्ड सेक्शन में, लोन के सेक्शन में कई सारे काम हैं। जब कोई एक बैंक या कोई कंपनी कई सारे काम करती है और उन कामों में नंबर 1 नंबर 2 हो, तो यानी कि ट्रस्ट बढ़ जाता है, ठीक है ना। मोस्ट ट्रस्टेड बाई इंडियंस, क्योंकि सरकारी जो है, यानी कि सरकारी है, इसलिए क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, यानी कि कुछ व्यूअर्स म्यूचुअल लमसम करना चाहते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड होता क्या है इसको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। देखिए क्या होता है कि पूल ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, किसी बंदे ने पैसा डाला, इसी ने डाला, किसी ने पैसा डाल दिया, यानी कि बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, पैसा इकट्ठा हो जाता है। इस पैसे को जो फंड मैनेजर होता है, एक एक फंड का फंड मैनेजर क्या करता है, इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाता है, इक्विटी मार्केट में लगाता है, डेप्ट मार्केट में लगाता है, हाइब्रिड में, यानी कि जगह जगह पर लगाता है। तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि इस पैसे को हमें कहाँ लगाना है। अब कैन यू हायर अ फंड मैनेजर, आपका पैसा भी है, आप अपने पैसे को भी क्या करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, या तो आपके पास नॉलेज हो, आपके पास तजुर्बा हो कि भैया हमें कहाँ पैसा लगाना है, किस जगह पे कितना पैसा लगाना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या आप किसी फंड मैनेजर को हायर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि फंड मैनेजर की फीस लाखों करोड़ों में उसकी फीस होती है। तो हम इस चक्कर में क्या करते हैं कि जो नॉन स्किल्ड जो इन्वेस्टर होते हैं वो म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना कर नहीं पाते, दिक्कत आती है। उसकी वजह से क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं ना, वो सीन में आए। म्यूचुअल फंड हाउस क्यों सीन में आए, क्योंकि नॉर्मल इन्वेस्टर होता है, जो नॉर्मल इंसान है, जो डेली काम धंधा करता है, उसको इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं है, कहाँ पैसा लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, और वो रेगुलर टाइम भी नहीं दे पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, भैया म्यूचुअल फंड आए, म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर क्या करता है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी कि पैसे को लगाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करें, मनी रूल क्या कहता है हमारे लाइफ में, मनी रूल क्या कहता है हमारे लाइफ में कि भैया हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए, क्या पैसा बढ़ना चाहिए। हमारा पैसा क्या है, आपने FD के अंदर पैसा लगा दिया है, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा लगा दिया, पैसा बढ़ता ही नहीं है, पैसा और जल्दी कम होता चला जाता है। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो आपका पैसा कम होता चला जाता है। तो हमारा क्या कहता है, पैसा ग्रो होना चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, यानी कि हमें इतने अच्छे रिटर्न मिलने चाहिए जिससे कि जो हमारी इन्फ्लेशन होती है उसको बीट हो जाए। मतलब अमीर जहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमें वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अमीर लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं पैसा, अमीर लोग FD में पैसा नहीं रखते हैं, कुछ पैसा रखते होंगे इमरजेंसी फंड का, लेकिन सारा पैसा वहाँ पे नहीं रखते हैं, वो स्टॉक में रखते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं, ठीक है, ETF बाई करते हैं,
रियल इस्टेट में लगाते हैं, गोल्ड सिल्वर मेटल्स बाई करते हैं, तो इस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो अमीर लोग होते हैं। तो हमें भी अमीर लोगों से कुछ सीखना चाहिए जिससे कि हम भी अपना क्या करें, पैसे को इन्वेस्ट करें। अब मनी जो हमारा जो है ना, मनी रूल क्या होना चाहिए, हमारे लाइफ का मनी रूल ये होना चाहिए 50-30-20, यानी कि 50% पैसा हमारी जो इनकम होती है, कमाई होती है, उसका 50% पैसा हमें अपनी नीड पर खर्च करना चाहिए, बच्चों की फीस EMI, हमारे घर का राशन पानी वगैरह, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नीड होती है। वॉन्ट्स क्या होती है भैया, 30% पैसा अपना कभी मूवी देखा है, पार्टी कर ली, खाना पीना बाहर खाया, रेस्टोरेंट में, ठीक है, वो होती है। 20% आपको सेविंग करनी चाहिए, 20% आपको पैसा क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में जो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं कि नहीं होते हैं। तो भैया म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं कि नहीं होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम डिफरेंट कैटेगरी से पैसा लगाते हैं। अगर हम मेन कैटेगरी की बात करें तो इक्विटी मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि हमारा पैसा शेयर मार्केट के अंदर जाता है, ठीक है। डेट म्यूचुअल फंड, यानी कि जो बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, वो डेट फंड होते हैं, जैसे कि हमारा जो बॉन्ड कोई डेट फंड है, उसके अंदर कंपनियों को लोन दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं। हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिड में आपका रहता है कि डेट प्लस इक्विटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है हाइब्रिड के अंदर, जिससे कि और ज़्यादा सेफ हो जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड सेफ होता है कि नहीं होता है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगता है, म्यूचुअल फंड का पैसा जब कंपनी में लगता है, तो C1, C2, इस तरीके से C40, C50 या C150, मतलब ऐसे हमारा पैसा डिफरेंट कंपनीज में लगता है, कभी 50 कंपनियों, कभी 100 में, कभी 70 में, 80 में, कभी 120 में, अलग अलग कंपनी में पैसा लगता है। तो क्या सारी कंपनियां जीरो हो जाएंगी, नहीं होंगी ना, कुछ प्रॉफिट देंगे, कुछ लॉस देंगे, कुछ बंद हो जाएंगे, यानी कि ओवरऑल हमारे पास पैसा जीरो तो नहीं होगा। यानी कि हमें, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, पिछले 20 साल की बात करें, तो हमें जो लार्ज कैप होते हैं उनमें हमें 13-14% का रिटर्न तो भाई आराम से मिला ही मिला है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम म्यूचुअल फंड सेफ हैं, लेकिन फिर भी देखिए रिस्क तो रहता है, थोड़ा सा मार्केट में रिस्क रहता है, और उस अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो तब तक पैसा कैसे बनेगा। शेयर मार्केट का रूल कहता है कि भैया, शेयर मार्केट का रूल क्या कहता है, देखिए अभी आप लोग कह रहे होंगे ना, मैं कहाँ की SBI म्यूचुअल फंड में भी हम पहुँचेंगे, जल्दी मत करो, चीज़ों को सीखिए, समझिए, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलेगी, आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से फंड हैं। हालांकि पहला फंड आ गया है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि शेयर मार्केट का जो पहला रूल होता है वो क्या कहता है, शेयर मार्केट का रूल कहता है कि जिस मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्क होता है, आप जितना रिस्क ले सकते हो शेयर मार्केट में, आपको प्रॉफिट भी उतना ही होगा, उतना ही प्रॉफिट आपको होगा, ठीक है ना। तो रिस्क थोड़ा सा लीजिए अपनी मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर, तो आपको रिस्क भी अच्छे खासे, रिस्क अच्छे लोगे तो प्रॉफिट भी अच्छे खासे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो फंड है इस म्यूचुअल फंड का, जो SBI का म्यूचुअल फंड है हमारा, वो है आपका SBI मैग्नम मिड कैप फंड है। ये मिड कैप फंड है, और ये क्या करता है, मिड कैप यानी कि ये डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, और इसका इक्विटी मार्केट के अंदर पैसा लगा होता है, और ये आपका म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है पिछले लास्ट के 10-15 साल के अंदर, ठीक है। ये फंड आपका मिड कैप है, यानी कि स्मॉल कैप के मुकाबले में ज़्यादा सेफ है, और ये लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो लॉन्ग टर्म के केस में आपका इससे पैसा काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैग्नम की रिटर्न कैसे रहे हैं पिछले सालों के अंदर। अगर आप लास्ट के एक साल की बात करेंगे तो 38.99% का रिटर्न मिला है आपको पिछले एक साल के अंदर इस फंड के अंदर। लास्ट के तीन साल की बात करेंगे तो 24.95% का रिटर्न मिला हमें पिछले तीन साल के अंदर। पिछले पाँच साल के अंदर 24.98 मिला, यानी कि लगभग 25% मिला हमें। और लास्ट के 10 साल के अंदर आप देखेंगे 20.72% का रिटर्न मिला हमें इसके अंदर, है ना, कमाल की बात। ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड है, एक्सपेंसेस उसका 0.82 है। ये आपका 30 मई के डेटा के अकॉर्डिंग है चीज़ें, एक्सपेंसेस कम ज़्यादा भी थोड़ा होता रहता है, ठीक है। और इसी तरह से आप रिटर्न भी आपके चेंज होते रहेंगे। लॉक इन पीरियड के अंदर कोई नहीं है, एग्जिट लोड आपका 1% है, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड से आप एक साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं, आपने पैसा लगाया वाले लॉन्ग टर्म सोच के लगाया पैसा आपने कि भैया मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन किसी रीजन से अगर आपने पैसा निकाल लिया तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी जो भी आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट। अगला फंड है हमारा SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसके अंदर क्या है, लार्ज कैप कंपनियां भी है और मिड कैप कंपनियां हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाया, वो मिड कैप थी, अब वो मिड कैप बन के क्या होगी, लार्ज कैप हो गई। इसलिए क्या, मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस फंड के अंदर आप देखेंगे कि लार्ज कैप कंपनियां भी हैं, मिड कैप भी हैं, यानी कि दोनों का इसके अंदर क्या है, मिक्सचर है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि लार्ज मिड कैप के अंदर जो प्लान ग्रोथ प्लान है, इसने आपकी जो परफॉर्मेंस दी है लास्ट के एक साल के अंदर, वो 34.43% का रिटर्न दिया है इसके अंदर, ठीक है जी। और ये लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि देखिए म्यूचुअल फंड तो कोई सा भी हो, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देता है, ठीक है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की।
लास्ट के एक साल के अंदर 34.43% का रिटर्न दिया, तीन साल के अंदर 21.15 दिया है, पाँच साल के अंदर दिया 20.25 और 10 साल के अंदर दिया है 18.01। आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर भी अगर आपने पैसा लगाया होता 10 साल पहले भी, तो आपको 18% के हिसाब से अभी आपको रिटर्न आपको मिल चुका होता, यानी कि आपकी वेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई होती। ये ग्रोथ फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% का है, लॉक इन पीरियड इसके अंदर कोई नहीं है और इसका एग्जिट लोड जो है वो आपका 0.1% है, राइट 0.1% का इसका एग्जिट लोड है। अब हम चलते हैं अगले फंड पर। अगला फंड हमारा है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है और ये आपका एक क्या है, दाम के दाम और गुठलियों के, क्या कहते हैं कि खावत है ना, दाम के दाम और गुठलियों के गुठलियों के दाम ऐसे कुछ है ना, कुछ है ना, आपको पता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या टैक्स सेवर फंड भी है, टैक्स सेवर मतलब आपका क्या है पैसा भी सेव होगा टैक्स में। क्या देखिए कितना हुआ, 1.5 अप टू 1.5 रुपीज़ आपका, अप टू 1.2 लाख रुपीज़ आपका सेफ होगा, आपका बचा सकते हो आप 80 जो सेक्शन आया, जो इनकम टैक्स की धारा 1961 के अकॉर्डिंग जो 80 सी होती है उसमें आप 1.5 लाख रुपये तक का क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए, यानी कि आपके साथ टैक्स पैसा भी बचेगा और सीधा सीधा आपकी वेल्थ भी बनेगी इस फंड के अंदर, ठीक है। चलिए अब इसका परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस की बात हम करेंगे तो लास्ट के एक साल के अंदर इसने 58.99% का रिटर्न दिया है, 58.99% पिछले एक साल के अंदर, यानी कि आपने अगर इसके अंदर 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो आपकी वेल्थ कितनी हो गई होती, 158,000 समथिंग हो जाती आपकी वेल्थ, राइट, ठीक है। लास्ट के तीन साल के अंदर आप देखेंगे 27.0484 है, पाँच साल में देखें 22.79 है और 10 साल के अंदर देखेंगे पिछले 17.51% का रिटर्न है इसके अंदर। ग्रोथ फंड है ये, यानी कि आपका पैसा पैसे पैसा बढ़ेगा आपका। 0.94% इसका एक्सपेंस रेशियो है और इसका जो लॉक इन पीरियड है वो तीन साल का है। अब लॉक इन पीरियड क्यों तीन साल का है, क्योंकि जो भी ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं, ELSS म्यूचुअल फंड होते हैं यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जो भी फंड होते हैं उनका लॉक इन पीरियड तीन साल का होता है, यानी कि आप तीन साल से पहले इसमें पैसा निकाल नहीं सकते हैं। तो जब आपका लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड है, आपको टैक्स सेविंग भी करनी है, तो आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं और इस एग्जिट लोड 0% है। क्यों, क्योंकि तीन साल से पहले पैसा ही नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए एग्जिट लोड भी आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैलकुलेशन पर, कि यदि आप लमसम करते हैं, मान लीजिए यदि आप लमसम करते हैं पैसा लगाते हैं, तो आपकी वेल्थ कितनी बन जाएगी, कैपिटल कितनी बन जाएगी, हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर मान लीजिए अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि एनुअल रिटर्न हमारे जो हमारे मान लीजिए 15% है, हमने यहाँ पे जो वीडियो में दिखाया आपको लास्ट के 10 साल की परफॉर्मेंस 70% 18% 20% दिखाया, लेकिन हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हमें 15% का भी रिटर्न मिल गया हमें पिछले 10-15-20 साल के अंदर या आने वाले समय के अंदर, तो देखिए हमारा रिटर्न कितना हो जाएगा। अगर आप 10,000 रुपये लगाते हैं तो 15 साल के अंदर वो 81,000 हो जाएंगे, 20 साल के अंदर आपका 1.5 लाख करीब हो जाएगा, 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, 30 साल के अंदर आपका 6.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, 40 साल के अंदर 26 लाख समथिंग या 26.5 लाख कर भी हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से 50,000 लगाते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं 50,000 लगाते हैं आप तो 15 साल के अंदर आपका हो रहा है 4 लाख हो रहा है और 20 साल के अंदर आपका 8 लाख हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 30 साल के अंदर आपका 33 लाख हो रहा है, यानी कि 50,000 मात्र 33 लाख हो रहे हैं कितने में, 30 साल के अंदर। पैसा लगा करके भूल जाइए, छोड़ दीजिए, 1 लाख लगाते हैं तो कितना हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि हमें पिछले 10 साल के अंदर अगर हमें 20% का रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए अगर पिछले 10 साल के अंदर हमें अगर 20% का रिटर्न मिला है तो आने वाले समय के अंदर भी हमें मिल सकता है और अब मिल गया अगर भाई देवे तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि 10,000 रुपये के 1.5 लाख रुपये हो जाएंगे 15 साल के अंदर, 3,83,000 हो जाएंगे 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर 23 लाख हो जाएंगे और 40 साल में आपका 1.5 करोड़ करीब हो जाएगा समथिंग, वही 10,000 रुपये आपके मात्र। 25 साल के अंदर आपका देख सकते हैं कितना हो रहा है, 50,000 का कितना हो रहा है आपका देखिए, 50,000 का आपका सिर्फ मात्र 20 साल के अंदर ही 19 लाख हो जाएंगे और 1,18,00,000 आपके हो जाएंगे 30 साल के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हमारी वेल्थ बन सकती है। अब ये मैंने आपको 15% दिखा दिया, 20% दिखा दिया, अब मान लीजिए सपोज दैट रिटर्न अच्छे नहीं आए, अगर बुरे से बुरी कंडीशन भी हमें सोच के चलनी चाहिए ना कि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए बुरी से बुरी कंडीशन समझ के चलते हैं तो आपको मान लीजिए 13% का रिटर्न मिलता है आने वाले समय के अंदर 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर, तो आपका 10,000 कितने हो जाएंगे, आप इसे
कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि फिर भी आप प्रॉफिट में ही हो, 13% मिल रहा है तब भी आप प्रॉफिट में ही हो, जो कि मैंने अभी इस म्यूचुअल फंड के आपको बताया आपके, इसके अंदर मिड कैप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थे, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड था एक। आप इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिल सकता है, यानी कि आपको फोकस करना चाहिए इन्वेस्टिंग करने पर। आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब पैसा कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मान लीजिए सपोज दैट आप कहेंगे कि भाई मार्केट अभी ऐसा है, मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट कैसा भी हो, मान लीजिए आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आपको सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके 4 या 5 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा आज इन्वेस्ट कर दीजिए, मान लीजिए एक हिस्सा जब कर दीजिए थोड़ी सी गिरावट आ जाए तब कर दीजिएगा, एक फिर जब कर दीजिएगा थोड़ी और गिरावट आ जाए तब कर दीजिएगा। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, आपने सारा पैसा आज ही लगा दिया, हो सकता है कि गिरावट ही ना आए तो आपको एंट्री करने का मौका ही ना मिले, ठीक है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी एंट्री भी हो जाएगी मार्केट के अंदर, और हमारा जो भी होगा फिर भगवान देखेगा, राइट, मार्केट देखेगा। क्योंकि सारा पैसा आज इन्वेस्ट कर दिया, कल मान लीजिए मार्केट गिर गया तो आपका इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होगा, या फिर आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया और कल मार्केट गिरा ही नहीं, आपने आज भी इन्वेस्ट नहीं किया कल भी मार्केट नहीं गिरा और मार्केट सीधा रॉकेट हो गया, क्योंकि चुनाव का टाइम चल रहा है, रिजल्ट भी आने वाले हैं 1 जून है आज, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या है, थोड़ा पैसा मार्केट में डालना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड क्या है, आपका टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल के लिए, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है, आप थोड़ा सा देख करके आगे पीछे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मेरी जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एसेट प्लस का लिंक मिलेगा, आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। दूसरा, अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन अपस्टॉक का लिंक मिलेगा, आप उन पर रजिस्ट्रेशन करके आप खुद से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।